म्यूजिक आपने 35-36 साल कर लिया. We all been fans of yours. You've been a great friend. You've been a great brother. तो म्यूजिक आपका क्यों कम होता गया और मोटरसाइकिल क्यों बढ़ता गया? ये वजह क्या है? म्यूजिक कम नहीं हुआ, न्यू रिलीजेस कम हो गई. ओके. उसकी वजह ये भी है कि मैंने 34-35 साल से म्यूजिक कर रहा हूँ. ठीक. तो इस 35 साल में कम से कम 4 से 5 दफ़ा बिजनेस मॉडल चेंज हो गए. पहले जब हम थे, जो शुरू किया था तब होती थी कैसेट्स. यस. ठीक है जी. यस. Yes. और शालीमार रिकॉर्डिंग कंपनी होती थी, ईएमआई होती थी, वो उनके पास कारखाने होते थे कैसेटों के. जी जी. Yes. कैसेटें वहाँ पे छपती थी, फिर मार्केट में जाती थी, उससे शायद को कॉपी कर ले. फिर आ गई, बिजनेस मॉडल चेंज हुआ, सीडीज आ गई. सीडीज आ गई. सीडीज के बाद MP3s आ गए. MP3s के बाद अब ये प्लेटफॉर्म्स आ गए, iTunes, Spotify टाइप के. जी जी. तो हमने बहुत सारी चेंजेस बर्दाश्त किए हैं, क्योंकि एज अगर आप बिजनेस स्टैंड पॉइंट से करें ना, तो आप एक, मैं एक एल्बम बनाता हूँ, उस पर फर्ज करो 30 लाख रुपए लगता है. ठीक. उसमें मैंने म्यूजिशंस को पैसे दिए, शायर को पैसे दिए, रिकॉर्डिंग इंजीनियर, मिक्सिंग इंजीनियर, मास्टरिंग इंजीनियर, ये इंजीनियरिंग कर करके एक प्रोडक्ट लाते हैं, उसको कहते हैं हम सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर लेके आते हैं, एक कंपनी के पास लेके जाते हैं, वो जो भी है, उनका नाम नहीं मैं लेना चाहता, बहुत सारी ऐसी कंपनी है. वो कहते हैं अच्छा जी ठीक है, ये दे दें आप हमें, हम इसको रिलीज कर देंगे, लेकिन इस पर लिख दें ये हमारी हो गई. ओह, कॉपीराइट्स हमारे. हाँ. तो अब मुझे बताएं ना कि पैसे लगा मेरा, फिर मैंने जाके 15-20 लाख रुपए की एक वीडियो बनाई, 15-20 लाख रुपए की एक वीडियो बनाई. तो जब आप पूरा पैसा उसका हिसाब लगाते हैं, तो एक एल्बम के ऊपर आप तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ऊपर लगा. ये मैं आपको 2008 यानी कि आज से भी 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, यानी कि ये कॉस्ट तब की मैं आपको बता रहा हूँ. और उसके बाद रिकॉर्ड लेबल कहता है कि जी ये तो हमारा है, ये तुम्हारा है, ये तो हमारा है. अब इस बिजनेस मॉडल के साथ आप एक एज एन आर्टिस्ट कैसे डील कर सकते हैं? अच्छा, उसमें से आपको पैसा कोई वापस नहीं आता जो आपने लगा दिया, जो सॉफ्टवेयर बनाने में. जी जी. ठीक है. फिर आहिस्ता 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 क्या होता है कि जो आर्टिस्ट है वो सॉफ्टवेयर बनाना बंद कर देता है. बंद कर देता है, क्योंकि अब मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं सॉफ्टवेयर बनाऊं और फिर वो फ्री सॉफ्टवेयर किसी को दे दूं और वो उसके ऊपर क्लेम कर ले कि यार ये यूट्यूब के ऊपर जितने भी हिट्स हैं. अब आप यूट्यूब का चैनल है आपका, आप उसमें से काफ़ी पैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, यानी कि एक नया बिजनेस मॉडल है ये. बिल्कुल. मेरा आज से 25 साल पुराना यूट्यूब चैनल है अपना पर्सनल, अली अजमत चैनल, जो हमें उसमें से मोनेटाइजेशन ही नहीं आती. हम जब अपनी वीडियो जाके जो हमने बनाई हुई है, जब उसको क्लेम करते हैं, वो कहते हैं ये तो भाई टी सीरीज वाले कह रहे हैं हमारी है, ये तो आग टीवी वाले कह रहे हैं उन्होंने आपके ऊपर स्ट्राइक कर दिए. हम उन लीगल बैटल्स में चली पर रहे हैं, उनके साथ लड़ी जा रहे हैं. तुमने तो 1 रुपया नहीं दिया, तुमने ना एल्बम रिलीज की, तुमने ना उसकी मार्केटिंग की, ना तुमने उसके कोई स्पॉट्स चलाए, और तुम उसको क्लेम कर रहे हो. और आपको पता है बड़ी कंपनीज का, तो ये मैं पहला आर्टिस्ट नहीं हूं जो कि रिकॉर्ड लेबल्स को गालियां निकालता है. लोग उनका ख्वाब दिखाते थे, उनका सॉफ्टवेयर लेके उसमें से पैसा कमाते थे. आर्टिस्ट वैसे ही गरीब का गरीब, गरीब का गरीब. तो ये बड़ा प्रॉब्लम है अली, हमारे फाइनेंसिस सिक्योर नहीं होते. ये मैं हमेशा क्रिकेटर्स को भी कहता हूँ कि यार, व्हेन यू बिकम अ स्टार, व्हेन यू बिकम अ क्रिकेटर, यू हैव टू सिक्योर योर फाइनेंसिस फर्स्ट. जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है. सिक्योर योर सिक्योरिटी इज सिक्योरिंग योर फाइनेंस. लेकिन हम आपके साथ सिक्योर हैं, इनसिक्योर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम अपना टॉपिक जारी रखेंगे. लेकिन लेते हैं छोटा सा ब्रेक. टेक अ ब्रेक, सी यू इन अ बिट. मीज तेरी काली सोने फुल वाली सुना दे चल करके ओ सा जाना है हुन मियां वाली. ओए मियां वाली का नाम नहीं लेना आज. वेलकम बैक टू शो ऑफ द शो 2.0. हमारे साथ सिंगर बैठे हैं, रॉक स्टार ऑफ पाकिस्तान. यस माय फ्रेंड, हमारे चाइल्डहुड के ड्रीम था, मैं यार अली अजमत के साथ कभी गाना गा लूं, लेकिन ये मेरा ड्रीम कभी पूरा नहीं हो सकता. कर दे, क्योंकि मेरे वोकल कॉर्ड्स फट चुके हैं. मैंने एक प्रोग्राम किया था, जीते रहे वो लोग, मैं उनका नाम नहीं ले सकता. लेकिन
उसके बाद मेरे वोकल कॉर्ड्स फट गए थे और मेरी आवाज़ इस साइड से बंद हो गई, हालांकि यू नो दैट आई यूज्ड टू सिंग बट लेकिन अली अजमत हो और भाग जाएं हमारे इस एपिसोड से, ये हो नहीं सकता. अली, हमारे पास एक गेम है. अच्छा. स्क्रीन पे हम दिखाएंगे आपको तीन चीज़ें. अच्छा. तीन चीज़ों से आपने जमा करना है ये गाना कौन सा है. अच्छा. बस इतनी सी बात है. गेस द सॉन्ग सेगमेंट का नाम है. कहने तो बड़ी आसान गल है यार, अली के लिए क्या मुश्किल है. जी प्ले करें जी स्क्रीन पे, देखते हैं गेस द सॉन्ग में अली अजमत के लिए क्या है. जी अली, ये तीन चीजों के नाम लें जी, ये गाना कौन सा है, ये तीन चीजें क्या नजर आ रही हैं? ये ताउला खान ऐसा खेल भी है और बीच में क्या है, बीच में फूल है और कटा हुआ सर है. इधर जिंदगी का जनाजा उठे नहीं, और कौन गाना कौन सा है ताउला साहब का? क्या कमीज तेरी काली सोने फुल वाली सुना दे चल करके. मियां वाली का नाम नहीं लेना. ओके, हम नहीं ले रहे और हम किसी और चीज का नाम लेते. लेकिन अगला सॉन्ग गेस्ट सॉन्ग में अली अजमत को दिखाया जाए. नेक्स्ट क्या है? ले जी नेक्स्ट क्या है जी, ये कौन सा गाना? दुपट्टा मेरा मलमल का. दुपट्टा मेरा मलमल का, म्यूजिशियन को आप चीट नहीं कर सकते. म्यूजिशियन म्यूजिशियन होता है भाईजान. नेक्स्ट वन देखते हैं कि अली क्या गेस कर पाएंगे अगला गाना. तेरा मुश्किल साला दो यार, ताकि अली को बसाएं हम. क्यों भाई मुझे बसाएं? मेहंदी सजा के क्या है? ना. कौन सा था इसका? कौन है ये? ये अदनान समी खान का कौन सा गाना था? जरा ढोल की बजाओ गोरियो डंग 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 नजम जंग आओ गोरी डंग 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 डंग. ये घड़ी है मिलन की. घड़ी भी दिखानी चाहिए थी. घड़ी पहनी भी है. एक सजन से सजन की. गेस द सॉन्ग बाय अली अजमत. ओए 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 फंस गए. काले बाल फंदा और नुसरत जुल्फों के फंदे न डालो हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो. और दसो अभी आपकी तो काली जुल्फे रही नहीं जी, इतने लंबे लंबे रही है.